हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 15 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यानी कि प्रोबेबिलिटी, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज संभावना इन हिंदी, संभावनाएं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इवेंट्स, व्हाट इज एन अनबायस्ड ओपिनियन और अनबायस्ड इवेंट, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट एम्पेरिकल मेजरमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी एज वेल एज द थ्योरेटिकल मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी। इस वीडियो में हम लोग उससे आगे डिस्कशन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स को भी चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अगर कोई इवेंट पॉसिबल है दैट इज सर्टेन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, और अगर कोई इवेंट पॉसिबल नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। अब अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरे पास कोई इवेंट है, जैसे कि मेरे पास हमारे पास दो कॉइन्स हैं, और दो कॉइन्स में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अगर दोनों को एक साथ टॉस करें तो दोनों में एक साथ हेड आ सकता है, या फिर एक में हेड और दूसरे में टेल आ सकता है, या फिर पहले में टेल और दूसरे में हेड आ सकता है, या फिर दोनों के अंदर हेड आ सकता है। यानी कि हमारे पास अगर टू कॉइन्स हैं और दो कॉइन्स को हम पैरेलली एक साथ टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास 4 पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल ऑफ 4 पॉसिबल रिजल्ट्स अगर हम दो कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं। अगर मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कॉइन्स गेट्स हेड साइमल्टेनियसली, ओके। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देयर इज आउट ऑफ 4 सिर्फ एक ही हमारे पास ऐसा केस है जहां पर दोनों के अंदर हेड आ सकता है। आउट ऑफ 4 ओनली 1 केस इज देयर वेयर वी कैन हैव हेड इन बोथ द कॉइंस साइमल्टेनियसली। देयरफॉर टोटल पॉसिबिलिटीज आर 4, आउट ऑफ 4 देयर इज ओनली 1 वे वेयर आई कैन गेट अ हेड इन बोथ द कॉइंस, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी विल बी 0.25। तो प्रोबेबिलिटी दोनों कॉइन्स में एक साथ हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.25 या फिर 1/4। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ, अगर इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से पूछता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कॉइन्स डू नॉट गेट हेड साइमल्टेनियसली इन वन टॉस, सो अगर इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों कॉइन्स के अंदर एक साथ हेड ना आए अगर हम एक बार टॉस करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, हम इस केस को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 3 केसेस जहां पर दोनों कॉइन्स में एक साथ हेड नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, 3 केस में आ सकता है, लेकिन टोटल हमारे पास 4 केसेस हैं, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 3/4, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 0.75%। लेकिन इसको निकालने का एक और तरीका ये था कि हम इसी प्रोबेबिलिटी को हम पी ऑफ हेड से डिनोट करते हैं, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाले, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंटेशन ही पूछ रहा है, कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकाले तो वो क्या होगा, 1 - 1/4 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3/4, जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.75। तो वही चीज़ हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। इन जनरल इट इज ट्रू दैट फॉर एन इवेंट ई, अगर इवेंट ई ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास पीई है, तो इवेंट ई ना ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - PE। ये बोलता है प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑकर ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट इवेंट डज नॉट ऑकर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बीइंग ऑकरिंग, ओके। तो यहां पर क्या होता था, इवेंट ई कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट्स नॉट ई, इट्स कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई, सो वी ऑल्सो दे से ई एंड ई कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, यानी कि अगर एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा होगा तो पहला नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो इसी चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। इन अ डाइस वी हैव अ टोटल ऑफ 6 फेसेस एंड द मैक्सिमम नंबर दैट वी हैव इज 6, ओके। Now we don't have any case, we are not having any case where
वी आर गेटिंग नंबर 8 इन अ सिंगल डाइस, यानी कि हम ऐसा कोई केस है ही नहीं यहाँ पर अगर हम डाइस को थ्रो करें तो हमारे पास नंबर 8 आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो हमारे पास आ सकती है वो सकती है हमारे पास 6. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन 8 इज एक्चुअली 0, बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस. जब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 की बात करता है तो ध्यान दीजिए, लेस देन 7 वो लेस देन इक्वल टू नहीं कर रहा, सिर्फ लेस देन कर रहा है. और लेस देन 7 की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, ये सभी नंबर्स लेस देन 7 है, ऑल द 6 केसेस आर लेस देन 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/6 व्हिच इज इक्वल टू 1. यानी कि जो दूसरा इवेंट है ये सर्टेनली ऑकर होगा, इट इज सर्टेन टू ऑकर, और जो पहला इवेंट है इट विल नेवर ऑकर, सो इट इज इम्पॉसिबल. लेकिन मैं दूसरे इवेंट से पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि जो दूसरा इवेंट है इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा पहला इवेंट है. यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 7. ओके, बट स्टिल 8 इज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 7. ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर कह भी सकते हैं कि 7 से बड़ी आने वाली किसी भी नंबर की कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये बता रहा है कि किसी इवेंट के सर्टेनली ओकर होने की प्रोबेबिलिटी है 1 और किसी इवेंट के ना ओकर होने की प्रोबेबिलिटी है 0, दैट इज एग्जैक्टली 0. ठीक है, यही हमने डिस्कस किया था. अब देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल, रिमेंबर दिस वर्ड इम्पॉसिबल, टू ऑकर इज 0. अगर कोई इवेंट हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, एंड सच इवेंट इज कॉल्ड एज एन इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, उसी तरीके से अगर कोई इवेंट 100% ऑकर होगा ही होगा, विच इज शॉर्ट शॉर्ट कि भाई ये इवेंट होना ही होना है, जैसे कि अगर हम किसी डाइस को फेंकते हैं तो डाइस को फेंकने के बाद हमें पता है कि जो भी नंबर आएगी दैट विल बी लेस देन 7, दैट विल बी बिटवीन ग्रेटर देन 0 एंड नंबर विल बी लेस देन 7. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि गेटिंग अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 7 इन अ डाइस इज 1, एंड इट इज अ शॉर्ट शॉर्ट इवेंट, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ श्योर इवेंट और अ सर्टेन इवेंट. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर टू ऑकर इज 1, सच एन इवेंट इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट. अब बुक्स में काफी जगह पर श्योर के साथ साथ या फिर सर्टेन के लिए हमारे पास ये वर्ड्स भी यूज किए जा सकते हैं, श्योर, डेफिनेट, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, अनडिनाइबल, अनक्वेश्चनेबल, इनडिस्प्यूटेबल, फिक्स्ड एंड इनडिब्यूटेबल. ओके, तो इसमें ज्यादातर जो हमारे पास वर्ड्स यूज किए जाते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट्स के लिए वो है श्योर, डेफिनेट, कॉन्फिडेंट एंड अनडिनाइबल. ओके, अनडिस्प्यूटेबल. तो ये जो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं ये सबसे ज्यादा बार हमारे पास यूज किए जाते हैं. ठीक है, अब देखिए, अगर हमारे पास ऑपोजिट ऑफ सर्टेन, यानी कि जब हम अनसर्टेन यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट्स की बात करते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो वर्ड्स यूज होंगे वो होंगे अनसर्टेन, अनश्योर, डाउटफुल, इनडेफिनेट, ड्यूबियस, अनरिलायबल, अनडिसाइडेबल, अनक्लियर, क्वेश्चनेबल और अनप्रिडिक्टेबल. तो इनमें से कोई भी वर्ड जब आएगा तो उसका मतलब क्या है कि दैट इज ऑपोजिट ऑफ सर्टेन. ओके, सर्टेन मतलब 100% होगा ही होगा, ऑपोजिट ऑफ सर्टेन का मतलब क्या है कि वो नहीं भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3%, यानी कुछ पॉसिबिलिटी है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो वो हो गया हमारा ऑपोजिट ऑफ सर्टेन, कि हमारे पास थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि क्या वो होगा या नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो ऑपोजिट ऑफ सर्टेन. ओके, अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि पॉसिबल, अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है यानी कि दैट इवेंट इज इम्पॉसिबल, अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 है दैट इज इवेंट इज 100% पॉसिबल, और यू कैन से इट इज सर्टेन. ओके, सो पॉसिबल, और इन दिस वर्ड आई कैन ऑल्सो से सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन. ओके, अब आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप लोगों ने शायद कार्ड्स देखे भी होंगे और काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कार्ड्स खेले भी होंगे. तो कार्ड्स के अंदर हमारे पास बेसिकली चार तरह के फेसेस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. जो सबसे पहला फेस है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं स्पेड्स. दूसरा जो फेस है हमारे पास यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम डायमंड. तीसरा जो फेस है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम क्लब्स. और चौथा जो फेस है हमारे पास, इसको बोलते हैं हार्ट. तो जो हमारे पास जितने भी कार्ड्स होते हैं उसको हम इन चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. टोटल अगर आपने चेक भी किया होगा, डेक ऑफ कार्ड के अंदर टोटल ऑफ 52 कार्ड्स हमारे पास होते हैं, और हर एक टाइप के हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं. जैसे कि ये जो कार्ड है हमारे पास,
इसको बोलते हैं हम क्लब्स, तो ऑल दीज कार्ड्स आर रिप्रेजेंटिंग क्लब्स। उसी तरीके से ये जो सभी कार्ड है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायमंड्स, फ्रॉम हेयर टू हेयर, जहां तक से यहां तक, स्टार्टिंग से यहां से लेकर यहां तक ये जितने भी कार्ड है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायमंड। और ये जो कार्ड है हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास हार्ट्स, और ये जो कार्ड है हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास स्पेड्स। ठीक है, तो दिस इज द क्वीन, दिस इज द किंग, ओके, एंड यू कैन नेम इट एनीथिंग, फॉर एग्जांपल आई कैन नेम इट एज जूनियर और समथिंग एल्स। ओके, तो हमारे पास टोटल कार्ड्स के अंदर इस तरीके से टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। अब इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर अपने आप NCERT मैथमेटिक्स की बुक उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से भी पूछे गए हैं, और यहाँ पर भी काफी क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस, द कार्ड विल बी एन एस एंड इट इज नॉट एन एस। अब इसमें से एस होता क्या है, देखो ये जो पहले कार्ड्स है ये सारे जो कार्ड है हमारे पास, These cards are called as ace. ठीक है, तो total 52 cards में से, total हमारे सारे 52 cards दिखाए गए हैं, इन total 52 cards में से हमारे पास चार cards ऐसे हैं which are ace. ठीक है, तो अगर मैं पूछता हूँ what is the probability that card will be an ace, that will be 4 divided by 52, because 52 is total possible events, total possible events. Okay. और 4 इस जोन से हमने पूछा गया है, तो क्यों क्या होगा हमारे पास 4 डिवाइड बाय 52 विच इज कॉल्ड एज 1 डिवाइड बाय 13। उसी तरीके से अगर वो पूछता है नॉट एन एस, अब इसके निकालने के दो तरीके हैं। पहला, अगर हमें ऑलरेडी पता है कि एस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो नॉट एन एस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 13, क्योंकि ये हम ऑलरेडी यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलता हूँ नॉट एन एस, तो ऐसे कितने कार्ड है जो कि एस नहीं है, यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, ऐसे कितने कार्ड है जो कि यहाँ पर एस नहीं है, तो ये सभी कार्ड जो कि एस नहीं है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सभी कार्ड हमारे पास एस नहीं है, तो टोटल कितने कार्ड होंगे हमारे पास, दिस आर 48 डिवाइड बाय 52, यानी कि इतने कार्ड्स है विच आर नॉट एस, विच आर नॉट एस, और ये वो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो कितने कार्ड की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 48 डिवाइड बाय 52 विच कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस, दिस इज 12 डिवाइड बाय 13, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कीजिए 3 से, तो आपको 12 डिवाइड बाय 13 यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एन एस, नॉट बी एन एस। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, टू प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले टेनिस मैच, इट इज नोट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। अब देखिए रेशमा कब जीतेगी, रेशमा तब जीतेगी जब संगीता हार जाएगी, विंस व्हेन शी डिफीट्स, when she defeats संगीता। ओके, अब देखिए संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.62, लेकिन संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता नॉट विनिंग, तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस 0.62, ये हमने वही रूल बना पढ़ा लगाया है जो हमने रिसेंटली अभी पढ़ा था, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.38। अगर संगीता हारेगी तो ऑब्वियसली किसकी प्रोबेबिलिटी होगी जीतने की, रेशमा की, तो रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग इज 0.38, सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी हियर। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे क्या बोलता है, सविता एंड हामिद आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज एंड द सेम बर्थडेज, यानी कि दोनों की इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि संगीता और हामिद दोनों की जो बर्थडेज हैं वो अलग अलग दिन में होंगे, या फिर दोनों के बर्थडे जो हैं वो सेम डे पर होंगे। अब इसमें आप देखिए यहाँ पर उन्हें बोला गया है कि इग्नोर द लीप ईयर्स, यानी कि हम लोग लीप ईयर्स को यहाँ पर इग्नोर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं बोलता हूँ कि संगीता का बर्थडे जो है वो 1st ऑफ जून को है, ठीक है, तो संगीता का बर्थडे कब है यहाँ पर,
इट इज फर्स्ट ऑफ जून और लेट्स मेक इट फर्स्ट ऑफ जनवरी, संगीता का बर्थडे है फर्स्ट ऑफ जनवरी, ठीक है। टोटल एक साल के अंदर हमारे पास 365 डेज होते हैं इन अ ईयर, ठीक है। इन 365 डेज में से वन डे इज फिक्स्ड फॉर संगीताज बर्थडे, ओके। सो बाकी जो डेज बचे, कितने बचे डेज हमारे पास, 364, वन माइनस ऑफ दिस तो हमारे पास 364, तो इन 364 पर संगीता का बर्थडे नहीं होगा। सो संगीता वोंट बी हैविंग बर्थडे ऑन दिस 364 डेज। अब वो जब पहला क्वेश्चन पूछता है कि संगीता एंड हामिद बोथ आर हैविंग बर्थडेज ऑन डिफरेंट डेज, ओके। सो डिफरेंट डेज के लिए हामिद का बर्थडे भी सेम डिफरेंट डे पर पड़ेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 364 डिवाइड बाय 365, यानी कि ये उतने दिन है जहां पर संगीता का बर्थडे नहीं है, और टोटल हमारे पास इतने दिन है, तो टोटल हमारे पास ये जो इससे जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, इसका मतलब है कि ये वो इट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट हामिद का जो बर्थडे है वो इन 364 में से किसी भी एक दिन पड़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ हैविंग बर्थडे ऑन डिफरेंट डेज इज 364 डिवाइड बाई 365। लेकिन अगर बोलते हैं कि बोथ ऑफ देम आर हैविंग बर्थडेज इन द सेम डे, ठीक है, तो बर्थडे द सेम डे का मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट जनवरी को संगीता का बर्थडे है तो फर्स्ट जनवरी को ही हामिद का भी बर्थडे होना चाहिए। अगर दोनों का बर्थडे यहाँ पर सेम डे पर है तभी हम लोग कह सकते हैं कि बोथ ऑफ देम आर बर्थडेज ऑन सेम डे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, अगर संगीता की बर्थडे फर्स्ट जनवरी को है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हामिद का बर्थडे फर्स्ट जनवरी को होगा, वो साल में से एक ही दिन होता है फर्स्ट जनवरी, सो इट इज 1/365, क्योंकि पूरे साल में हमारे पास 365 डेज होते हैं, और हमें बताना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 365 डे में से सिर्फ वही एक दिन, यानी कि वही एक फर्स्ट जनवरी है जहां पर संगीता का भी बर्थडे है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/365, ओके। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस वन। अब ये देखिए, देर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ अ स्कूल ऑफ होम 25 आर गर्ल्स, सो आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड 15 स्टूडेंट्स आर बॉयज, ठीक है। द क्लास हैज टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड एंड द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, देन शी पुट्स द कार्ड इन अ बैग एंड स्टेयर देम थॉरली, यानी कि जो क्लास टीचर है वो इन सभी स्टूडेंट्स के नाम लिखकर, जिसमें से 25 गर्ल्स है 15 बॉयज हैं, सभी स्टूडेंट्स के नाम लिखकर एक पर्ची पर, यानी कि एक स्लिप पर नाम लिखती है, और उन सबको मिक्स कर इस बैग के अंदर डाल देती है, यानी कि कोई भी कार्ड अलग से नहीं दिख रहा, सबका कार्ड एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। उसको नहीं पता कि इसमें से अगर वो कोई एक कार्ड पिक करेगी तो वो किसका होगा, ठीक है। देन शी पुट्स कार्ड इन अ बैग एंड स्टेयर्स देम थॉरली, then she draws one card from the bag, what is the probability that the name written on the card is the name of a girl, तो इस इन सभी cards में से एक जो card निकलता है वो एक लड़की का card होगा, इनके एक girl का card होगा, उसकी probability क्या है, ठीक है। तो देखो आपके पास total 40 students है, 40 में से आपके पास 25 जो students है वो girls है, तो card जो है वो एक लड़की का होगा, इसका probability होगी 25 divided by 40, ठीक है। The card of for being a girl, being a girl's card, that probability is 25 divided by 40, which is can also be written as 5 divided by 8. उसी तरीके से next part है कि वो card है वो एक boy का होगा, what is the probability that card will be of a boy, total हमारे पास यहाँ पर 15 boys हैं, तो probability will be 15 divided by 40, which can be written as 3 divided by 8. अभी next question देखिए, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, a box contains 3 blue balls, 2 white balls and 4 red marbles. If the marble is drawn at the random from the box, what is the probability that it will be white? ठीक है, देखिए हमारे पास 3 blue balls हैं, 2 white balls हैं और 4 red balls हैं. तो total number of balls हमारे पास कितनी होगी यहाँ पर? Total number of balls are 9, which is 4 plus 2 is 6, 6 plus 3 is 9. ठीक है, अब बोलता है what is the probability that we get a white ball? तो probability of getting a white ball is 2 divided by 9, where 9 is the total number of events, 2 is the number of white balls, ठीक है? Probability of getting a blue ball is 3 divided by 9, because 9 is the total number of balls and 3 is the number of blue balls. In the same way, probability of getting a red ball is 4 divided by 9, because 9 is the total number of balls and 4 are the red balls. तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, what is the probability of getting a white ball, blue ball or
रेड बॉल, ठीक है। अब आगे देखिए, हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, से वन इज ऑफ रुपीज वन एंड अदर इज ऑफ रुपीज टू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट वन हेड, ठीक है। देखिए अगर दो कॉइन टॉस करेंगे तो उनकी चांसेस फेसेस क्या हो सकते हैं, दोनों में एक साथ हेड आ जाए, एक में हेड और दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड और दोनों में टेल। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट, एट लीस्ट का मतलब कम से कम, तो कम से कम एक हेड कहां पर आ रहा है, इन तीन केसेस पर कम से कम हमारे पास एक हेड आ रहा है, एक से ज्यादा हेड भी हो सकते हैं, तो थ्री केसेस, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट विल बी 3/4 where 4 is a total number of possibilities and 3 is the possibilities where we are getting at least one head. So, iska answer hoga hamare paas 3/4, theek hai. Next, a mission helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region in the figure which is given. What is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure? Lake shown in the figure. देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे हैं, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर ये लेक है और बाकी जो हमारे पास टोटल रेक्टेंगुलर रीजन है इसमें हमारे पास फॉरेस्ट भी है और लेक भी है। अब वो ये बोल रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो यहाँ पर इस लेक के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। देखो ये अज्यूम करो हमारे पास हेलीकॉप्टर है, तो देयर आस्किंग कि हेलीकॉप्टर इस लेक के अंदर क्रैश हुआ है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो अब देखो पूरा जो एरिया है हमारे पास यहां से लेकर यहां तक जो टोटल एरिया है, ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक पूरा, और ये पूरा प्रॉपर जो पूरा रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज जनरली कॉल्ड एज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है यहां पर 9 किलोमीटर एंड ब्रेथ कितनी है इसकी, विच इज 4.5 किलोमीटर, ठीक है। तो आप इसकी लेंथ टू ब्रेथ करके आप इसका टोटल निकाल सकते हैं कि हमारे पास टोटल एरिया कितना होगा। इन द सेम वे अब ये देखो जो लेक है यहां से लेकर यहां तक, ये जो लेक है हमारे पास, इस लेक की विड्थ कितनी है, लेक की विड्थ होगी हमारे पास 3 किलोमीटर वाय, बिकॉज ये टोटल जो विड्थ है यहां से लेकर यहां तक, टोटल विड्थ हमारी 9 की है, इसमें 6 किलोमीटर का ये जो एरिया ये हमारा लैंड है, तो 3 किलोमीटर का जो एरिया बचेगा वो बचेगा हमारा लेक। इन द सेम वे फ्रॉम हियर टू हियर इसकी जो टोटल विड्थ है वो कितनी होगी, 2.5 किलोमीटर वाई, बिकॉज 2 किलोमीटर तक तो हमारा लैंड है टोटल 4.5 में से, तो बचा हमारे पास 2.5 किलोमीटर, तो एरिया ऑफ लेक विल बी 2.5 × 3 किलोमीटर, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्रैश्ड इनसाइड द लेक, तो क्या होगा, एरिया ऑफ लेक डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ लेक कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ लेक इज 2.5 × 3 किलोमीटर डिवाइड बाय टोटल एरिया होगा हमारे पास 9 / 4.5 किलोमीटर, यू कैन डिवाइड इट लाइक दिस, ठीक है, और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 9/27 आई थिंक, ओके सॉरी यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, सो कैलकुलेट कर लीजिए इस वैल्यू को, तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 25/3 × 45, जिसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 × 5 = 25 एंड 5 × 9 = 45, सो इट विल बी 5/27, तो दिस विल बी द एरिया, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश होगा दैट विल बी क्रैश्ड इन अ लेक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स of which 88 are good and 8 have minor defects and 4 have major defects, yani ki ek cartoon yani ki box hai hamare paas, iske andar total hamare paas 100 shirts hain, is 100 shirts mein se hamare paas 88 shirt jo hai good condition mein hai, 8 ke andar minor defect hai aur 4 shirts hain jiske andar major defect hai, theek hai। a jimmy a trader will only accept the shirt which are good, but sajata another trader will only reject the shirts which have major defects, ठीक है। तो जिमी वो शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा जो अच्छी हैं, विच आर गुड, और सुजाता सिर्फ उन्हीं शर्ट्स को रिजेक्ट करती हैं विच आर हैविंग मेजर डिफेक्ट्स। नाउ वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस शर्ट इज एक्सेप्टेबल बाय जिमी, तो जिमी किन शर्ट को एक्सेप्ट करता है, विच आर ओनली इन विच आर गुड, तो टोटल हमारे पास गुड शर्ट्स कितने हैं, हमारे पास टोटल 88 शर्ट है, तो
probability of the cartoon will be acceptable by Jimmy will be 88 divided by 100. So which is 0.88 is the probability. Now it is acceptable by Sujata. Ab dekho Sujata ka scene kya hai. Sujata good shirt ko bhi accept karegi plus the shirt which are having minor defects un shirt ko bhi accept karegi. To good shirt hamare paas kitni hai 88. A shirt with the minor defects are 8. A total hamare paas 100 shirt thi jisme Sujata 4 shirts ko accept nahi karegi. To iski jo probability rahegi that is 96 divided by 100 which is 0.96 is the probability that Sujata will accept the shirt. Okay. Now let us look at the next question. It is saying two dice, one blue and one gray, are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the same sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8, 13, less than or equal to 12? ठीक है, देखो दो dice हैं हमारे पास, जिसको हमने एक साथ throw किया है. Assume एक first dice है और दूसरी हमारे पास second dice है. ठीक है, अब दोनों के साथ थ्रो किया, एज्यूम फर्स्ट डाइस पर हमारे पास नंबर 6 आता है और सेकंड डाइस पर हमारा नंबर 5 आता है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 6 प्लस 5 इज 13. अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, यानी कि इन दोनों नंबरों का सम करो तो वो हमारे पास सम 8 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. अब देखो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने चेक किया है कि क्या क्या नंबर आ सकती है, जैसे कि पहले डाइस पर 1 आ सकता है, दूसरे डाइस पर भी 1 आ सकता है, तो दोनों का सम क्या होगा यहाँ पर 2 है ना. तो उसी तरीके से जब वो पूछता है कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ऐसे कितने केसेस हैं जहां पर सम हमारे पास 8 है. दीज आर ऑल द केसेस, 2 प्लस 6 इज 8, 3 प्लस 5 इज 8, 4 प्लस 4 इज 8, 5 प्लस 3 इज 8 एंड 6 प्लस 2 इज 8. तो टोटल हमारे पास 36 इवेंट्स पॉसिबल है. एज यू कैन काउंट 36 में से हमारे पास ये 5 इवेंट ऐसे हैं जहां पर सब का सम जो है वो 8 होगा. ठीक है, तो यू कैन चेक हियर, सम अगर 8 होगा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 हियर, दैट इज 5 divided by 36. ठीक है, now what is the sum probability that sum is 13? तो 13 13 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसके लिए हमारे पास नंबर्स क्या क्या हो सकती हैं. इफ इट इज सी मैक्सिमम पॉसिबल सम इज 12, वी कैन नॉट गेट अ सम विच इज ग्रेटर देन 12. तो 13 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देयर इज नो पॉसिबल केस डिवाइड बाय 36, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी हमारे पास 0. नाउ प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज लेस देन और इक्वल टू 12, देखिए टोटल जो सम है मैक्सिमम सम कैन बी 12, तो जितने भी सम यहाँ पर पॉसिबल है डाइसिस के अंदर वो सब हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 12 ही है. तो टोटल हमारे पास जो केसेस हमारे पास 36 हैं और 36 के 36 केसेस के अंदर जो सम आएगा वो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 12 रहेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1. ठीक है, तो आपको पता चल गया कि पहले केस में प्रोबेबिलिटी रहेगी 5, दूसरे केस में प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारे पास 0 और तीसरे केस में प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारे पास 12. ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल दिस एग्जांपल्स. Now, in the next video, we will start with the first exercise, that is exercise number 15.1 for this chapter, which is for probability. I hope that you enjoyed the video thoroughly. If you like the video, please share the video with your friends and please do like and comment on the comment section, and it motivates us to create more videos. And thank you so much for watching, and you guys are rocking, you'll rock. Thank you so much.